किसी के लिए भूल कर भी कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वाले के साथ हमेशा बुरा ही होता है, यही नियति है। कर्म अच्छा हो या बुरा हो, वो वापस हमारे पास ही आता है। अच्छा हो या बुरा, वापस हमारे पास ही आता है। रिसीविंग सर, ओवर। स्पॉट पे पहुंच गए, ओवर। रीचिंग सर, ओवर। ओवर। एनी प्रॉब्लम, ओवर। नथिंग सर, ऑल रूट क्लियर, ओवर। ओके देन प्रोसीड, ओवर। माइक टू कॉलिंग, विजय, ओवर। माइक टू रिसीविंग सर, ओवर। ओके प्रोसीड, ओवर। ओके सर। Come to my camp office immediately. Okay, sir. May I come in, sir? Yes, come in. Take your seat. Thank you, sir. विजय कुमार सर, मैंने आपको यहां इसलिए बुलाया, आप शहर में होने वाले क्राइम्स के बारे में जानते हैं। जानता हूं सर, चाइल्ड किडनैपिंग। यू आर राइट। आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है ये चाइल्ड किडनैपिंग, खासकर भारत में ये बहुत बढ़ गया है। इसका मुख्य कारण है परिवारों का बिखर जाना और माता पिता की लापरवाही भी है। यह धीरे धीरे फैलता हुआ हमारे कोयम्बटूर शहर में भी फैलने लगा है। सर, अब तक हमारे शहर में कितने बच्चे गायब हुए हैं? अब तक 7 बच्चों का अपहरण हो चुका है, वे गायब नहीं हुए हैं। सर, मुझे लगता है इस केस में जरूर इंटरनेशनल माफियाओं का हाथ है। सर,
यू आर राइट। इस केस की ऑलरेडी एलेंडो इंस्पेक्टर लवन सिंह तफ्तीश कर रहे हैं। यस, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मुझे लगता है इस केस की गहराई से जांच होनी चाहिए ताकि हम वजह तक पहुंच सकें, और ये बात सीक्रेट होनी चाहिए। तो ये केस मैं आपको हैंडओवर कर रहा हूं। मैं इस केस की अच्छी तरह से जांच चाहता हूं, इसकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट भी। इस केस की पूरी डिटेल्स इस फाइल के अंदर है। थैंक यू सर। इन अपहरणों में शामिल लोगों को जल्द से जल्द पकड़कर आपको सौंपना मेरी जिम्मेदारी है सर। मुझे ये लोग सबूत के साथ चाहिए। डेफिनेटली सर। गुड, इस केस को जल्द खत्म कीजिए। विश यू गुड लक। थैंक यू सर। अरे शेखर, सारी वारदात तुम जीजा साले मिलकर ही करोगे क्या? क्यों, हम कुछ नहीं कर सकते? बोलना पोता, तुम कुछ नहीं कहोगे? एक मौका तो दो, फिर देखो कैसे करता हूं।
ला 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 यार मजा आ रहा है। अरे 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 कुछ नहीं कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं हुआ। हाँ ठीक है, आप उठाओ शेखर, वो इधर ही गया होगा, उधर रास्ता नहीं है, पकड़ो उसे जाके। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ, चल आजा भाई। आप घबराइए मत, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ए तू मेरी गाड़ी लेकर आ जा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ आपको, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। कहाँ गया भाई? उस तरफ। अच्छा अच्छा, एक्सीडेंट करके बिना रुके जा रहा था। मुझे मत मारो भैया, तेरी तो रुक नहीं सकता था। कौन से एरिया का है? मत मारो भैया, मत मारो प्लीज। जानता है बुढ़िया मर गई? क्या बुढ़िया मर गई? अब सदमे में तू मत मर जाना, चल जल्दी से अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए निकाल। क्या 10,000 रुपए निकाल जल्दी। ना 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 भैया प्लीज, प्लीज गलती हो गई भैया, प्लीज भैया मारिए मत भैया, दोस्त से मिलने आया था, छोड़ो ना भैया प्लीज, प्लीज भैया छोड़ दो। जेब में क्या है? पेट्रोल के ही पैसे हैं भैया, प्लीज प्लीज मत लो भैया। पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं इसे, खून के केस में अंदर जाएगा। और ये गले में क्या? नकली है भैया, नकली चेन छिपा कर पहनी है। चल निकाल निकाल। नहीं भैया नहीं, निकाल ना भैया, नहीं भैया नहीं। अच्छी खासी रकम मिल जाएगी इसकी। चल भैया 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 प्लीज, ऐसा मत करो भैया, ऐसा ऐसा ना करो भैया, प्लीज प्लीज दे दो भैया, प्लीज भैया दे दो ना। हे भगवान, शुक्र है बुढ़िया बच गई। अच्छा है, बच तो भर दिया। हाथ में कुछ पैसे बचे हैं क्या? दादी की वजह से आज हम लोगों की पार्टी नहीं होगी। भाई चाबी देना, जरा मैं और ये घूम के आते हैं। ठीक है, ये लो पूजी, लेट मत करना, जल्दी आ जाना। हेलमेट पहने, कहा जा रहे हो? गाड़ी लेके गाड़ी किनारे खड़ी करो, बिना हेलमेट कहाँ जा रहे हो? सर बिना हेलमेट के गाड़ी किधर लेके जा रहा है? हेलो भाई, पुलिस ने पकड़ लिया है। लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस, इधर ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, लाया था पर वो रह गया। नाम गुणशेखर है और माथे पर एक घाव का निशान भी है। जैसे और बाप की है। बस बस ये काफी है, तुम जाकर उसको फोन दे दो, बाकी मैं बात कर लूंगा। ठीक है, बात करो। आपका फ्रेंड आपसे बात करना चाहता है। मेरा फ्रेंड? हाँ सर। मेरा कौन सा दोस्त आ गया भाई? कौन हो भाई? क्या यार कैसे हो, तुमसे मिले सालों हो गए। देखा तेरी आवाज से मैंने कैसे पहचान लिया? तुझे पहचानने के लिए देखना जरूरी नहीं है, आवाज ही काफी है। क्यों, ठीक कहा ना? अरे हेलो, मैंने पूछा कौन हो भाई? अभी भी नहीं पहचाना? वही भूलने की आदत है तुमको। अपने लड़कों के जरिए तुझे कैसे ढूंढ निकाला, ये सब छोड़। तेरे माथे का निशान चला गया क्या? माथे पर निशान है, ये बात तुमको कैसे पता भाई? अरे कुछ बताओगे? ये सब छोड़, फोन जरा लड़कों को देना मेरे। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी देता हूँ। सुनो, हेलो पकड़। कौन है वो? हेलो, अब वहाँ से चुपचाप निकलो, समझे? जाओ जल्दी करो। अरे सुनो सुनो, हैप्पी न्यू ईयर सर।
अरे कहाँ गए सबके साथ? मोटर चलाते नहीं, चलाते हैं तो बंद नहीं करते। टैंक में पानी है कि नहीं ये भी नहीं देखते। इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, तुम लोगों ने सुना नहीं क्या? तुम लोगों से कहने से अच्छा है कि मैं खुद ही देख लेता हूँ, इसीलिए आ गया। कहा तो ऐसे रहा है जैसे पता नहीं कितने दिन से भूखा हो। छत पे बैठकर इस तरह से दारू पीते रहोगे ना, एक दिन घर से निकाल दूंगा तुम लोगों को मैं। अगला कांड मैं करूंगा। वो कैसे? दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इतना भी नहीं करूंगा क्या? कैसे करोगे? मारने वाला दोस्त हो ना तो मरने पर भी नाम नहीं लेना चाहिए, उसे ही दोस्ती कहते हैं। ये कुबेर भी ना, वो मैं एक चक्कर लगाऊंगा और देख कर उठा लाऊंगा बस। ठीक है ठीक है, कल का कांड तुम ही करना, प्लान मैं बताऊंगा। कल सुबह तुम और बोधा एक साथ निकलना, ठीक है? उस घर का पता मैं तुम्हें दे दूंगा, घर के अंदर कौन कौन है बस ये मुझे बता देना, आगे क्या करना है मैं बता दूंगा तुम्हें। अच्छा अब जाओ, सुबह बात करते हैं, ठीक है? जमाना कितना भी आगे निकल जाए, कुछ लोग कभी नहीं बदलते। बोधा तू आगे चल, मैं 5 मिनट में अपनी जान से मिलकर आता हूं। जेब में क्या है? वो सब छोड़ो, एक बार लाओ करके देखो, उसका अलग ही मजा है। अच्छा ये एड्रेस देना। अच्छा तो यही पता है, मैंने देख लिया। चलो तुम आगे जाओ, मैं आता हूं। पता नहीं इसका क्या नतीजा होने वाला है, जा जा। अरे चिंता मत कर, सब अच्छा होगा। क्या है? अगर मुझसे प्यार करती हो तो इसे कुचल कर जाओ। क्या कहा? इस टमाटर को? अरे ए? हाँ, क्या हुआ, क्यों बुला रही? मैं ऊपर छत पे कपड़े सुखा रही थी ना, तो हवा की वजह से कपड़ा नीचे गिर गया, उठा दो ना।
ए, मैं नहीं उठाने वाला हूँ। इतने हैंडसम दिखते हो, मेरा एक काम कर दो ना। हाँ, कपड़े उठाना है तो ठीक से बात करो ना। गलती हो गई बाबा, आगे से नहीं होगा, प्लीज उठा दो ना। ये लो। हेलो, आज फिर से तुम्हारा कपड़ा गिरा है क्या? अरे इसे उठा कर दो ना, वो क्या है ना कि ये तो तुम नहीं दोगे ना। ठीक है फिर मैं ही उठा लेती हूँ। नहीं, रुको, आज के बाद अगर इधर तुम्हारा कोई भी कपड़ा गिरा ना तो मैं सच कह रहा हूं फाड़ दूंगा। मुझे प्यार व्यार में कोई दिलचस्पी नहीं है, यह बात मुझे उस लड़की को बतानी होगी। हे शेखर, हम लोग बाहर जा रहे हैं, चलना है क्या? नहीं यार, तुम लोग जाओ, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने याद किया और तुम आ गए। तुम्हें मेरा नाम और फोन नंबर चाहिए क्या? मैं यहाँ किसी काम से आया हूँ, मेरा एक मकसद है। अगर मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया हो तो प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे ये सब नहीं पसंद है। नहीं, मैं तुम्हें बहुत समझने की कोशिश करो। अच्छा, तो ये सब चल रहा है? कौन हो तुम? ये मुंह और मसूर की दाल, शक्ल से ही एक नंबर का चोर लग रहा है। और तू छोटी माँ, अंदर चल, तुझे तो बताती हूँ। छोटी चल अंदर, बात तो सुनिए। आने दो आज तेरे बाप को, आज ही घर खाली करवाती हूँ मैं। चल अंदर, बोला ना। छोटी माँ, चल, हमारी नाक कटवाएगी ये। सुनिए सुनिए, बच्चा नहीं मिल रहा है। क्या कहा, बच्चा नहीं मिल रहा है? जी हाँ। उस समय तुम कहाँ थी? मैं दूध लाने बाजार गई थी। और चाचा जी कहाँ? वो भी बाहर चले गए थे। ओह, कोई आया था क्या? कोई नहीं आया था। तुमने वहाँ किसी को देखा? नहीं। ओह, तुम कहाँ चली गई थी? भला बच्चे को अकेला छोड़कर कोई जाता है? ठीक है जाओ, मैं देख लूंगा। ठीक है, मैं जाती हूँ। ओ भैया, जरा रुकना। भाग 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 भाग। ये मुझे देखकर भाग क्यों रहे हैं? अरे अरे, ए रुको, ए रुको रुको, भाग भाग। अरे रुको, भाग। अरे कहाँ भाग रहे हो? अरे तेज भाग। भागना, भाग जल्दी। अरे रुको, गेट बंद कर दे। क्या हुआ, बात क्या है? पुलिस पीछा कर रही है,
भाई अब क्या किया जाए? जा तू। ए, अंदर क्या कर रहे हो? कब से दरवाजा खटखटा रहा हूं, मोटर बंद नहीं कर सकते? कितना पानी नीचे आ गया देखा तुमने? इतने बड़े हो गए हो लेकिन अकल नाम की चीज नहीं है तुम लोगों के अंदर बिल्कुल। अच्छी तरह देखा था ना, जिस हवलदार को बेवकूफ बनाया वही था। मुझे लग रहा है कि उन्हें कहीं हम पे शक तो नहीं हो गया। अरे अंदर क्या कर रहे हो तुम लोग? कब से खटखटा रहा हूँ, मोटर बंद नहीं कर सकते क्या? देखो कितना पानी गिर रहा है यहाँ पे। अरे कुछ तो दिमाग रखो, मोटर बंद करो पहले। बड़े हो गए हो लेकिन अकल नाम की चीज नहीं है। आज इस मकान मालिक की खैर नहीं। ए, पुलिस! सर, मैं हवलदार गुणशेखर बोल रहा हूँ सर। मुझे एक कमरे में बंद करके वो चारों के चारों यहाँ से भाग गए हैं सर। हाँ सर, सर आप जिन चार लोगों को तलाश कर रहे हैं ना, मुझे शक है कि यही चारों हैं वो सर। कौन सा एरिया है? दरवाजा तोड़कर बाहर आओ और उनकी तलाश करो, मैं बस पहुंच रहा हूँ। ठीक है सर। अरे बेवकूफ तो बेवकूफ मैं? अच्छा गाली दे रहे हो मुझे हैं? अब सच बताओगे बेटा? बोल सर, कौन है? मैं नहीं जानता सर। नहीं जानता? किराए के लिए घर खाली है, बोर्ड लगाया था, ये देख करके चारों लोग आ गए थे सर। मैं नहीं जानता उनको सर। यहाँ कब से रह रहे? एक महीने से रुके हुए थे सर यहाँ पे। क्या, एक महीने से यहाँ और तू कुछ नहीं जानता? ए गुणशेखर, इसे गोरिल्ला सेल में बंद कर दो। सर बाइक पे एक लड़का आया था सर, उसका नाम कुबेर था सर। उसकी गाड़ी में ब्रेक लगाने पर एक अलग तरह की आवाज सुनाई देती थी, 2020 क्रिकेट में जैसी आवाज होती है ना सर, बिल्कुल वैसी ही सर। और मैं कुछ नहीं जानता सर। अब ये कुबेर कहाँ मिलेगा? टमाटर टमाटर तेरे नखरे अलग हैं। क्या नखरा है? क्या है? लव करना है? चप्पल से मारूंगी। ए, मुझे नहीं है, इसे है। हाय टमाटर, कैसी हो? तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो मेरा ही दोस्त है, काम में थोड़ा बिजी था इसलिए आ नहीं पाया, सोचा वीडियो कॉल ही कर लूं। तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम ललिता है। उस दिन जब तुम बिना बोले चुपचाप चली गई थी तो मुझे बहुत दुख हुआ था। ओह, तो मुझे पसंद नहीं करती? मैंने व्हाइट कलर की लेगिंग्स पहनी थी, टमाटर पर पैर पड़ने से खराब हो जाता, ऐसा है क्या? इसलिए। मुझे पता होता तो गाजर या एप्पल ले आया होता। हे, इसका मतलब हुआ कि तुम मुझसे प्यार करती हो? शर्मा रही हो? चलो ठीक है, चलेगा। तुम इस जन्म में नहीं समझ पाओगे। तुमने समझाने की कोशिश भी कहाँ की। बाय, आई लव यू, बाय।
सर। सन, वो 2020 क्रिकेट में जो आवाज होती है तुमने सुनी है क्या? क्यों, वो मिल नहीं रही है? हाँ सर हाँ सर, आउट है आउट है आउट है। वो वाली नहीं, म्यूजिक म्यूजिक है, म्यूजिक। ऐसे ही ब्रेक लगाने पर बिल्कुल ऐसी आवाज आने वाली इस एरिया में तुमने कोई बाइक देखी है क्या? मैंने ऐसी ब्रेक की आवाज सुनी ही नहीं है सर। सुना? मैंने नहीं सुना सर। मैंने नहीं लगाया सर। मुझे नहीं पता सर। मैं पूछता हूँ कौन है, शराफत से बता दो कौन है। फौजी से खेल रहे हो, तुम्हें से कोई नहीं बचेगा। कितने लोग आए हो अंदर? चूक क्या सोच रहे हो? कौन हो तुम लोग, शराफत से बता दो कौन हो, बताओ। मुझे जानवर बनने पे मजबूर मत करो। अब कितने बचे हो, आओ सामने। हाँ
तुम जितने भी लोग हो सब सामने आ जाओ। आओ। चलो चलो। तुम्हें पता है तुम लोग कहाँ आए हो? ये जानकर ही आए हैं, इंस्पेक्टर काशी की दूसरी बीबी मतलब उसकी रखेल तुम्हारी बेटी वो फिलहाल गांव गई है, ठीक कहा ना? हे, पुलिस वाले के घर में चोरी करने आए हो? आए नहीं है, आने में मजबूर कर दिया उसने, हमारे पीछे पुलिस लगी है, जब तक हमारा काम नहीं होता तब तक छिपने के लिए जगह सेफ है। यहाँ चोरी करने के लिए कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ चोरी करने के लिए नहीं आए, जो पैदा किया उसे उठाने के लिए आए। ऐसा कुछ मत करना, तुम लोग गलती कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। बहुत बकवास कर रही है, बहुत हो गया, अब तू कुछ नहीं बोल पाएगा। इंस्पेक्टर काशी की बेटी कितने बजे स्कूल से आती है, उसे कौन लेकर आता है, स्कूल में कितने वॉचमैन है, स्कूल और कंपाउंड की दीवार में कितनी दूरी है, मुझे सारी डिटेल चाहिए। शेखर तुम कल पूजी के साथ चले जाना, हम सबको बहुत होशियारी से काम करना होगा, ठीक है? इतनी तेज धूप में ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग पिघल कर बह गया हो सर, लगता है हमारा अच्छा समय शुरू हो गया है सर। ये कैसे कह रहे हो? हमारी परेशानी दूर करने के लिए किसी बंदे ने पेड़ के नीचे दुकान लगा रखी है सर। ठीक है, गाड़ी उधर ले चलो, पुलिस वालों को भी देखकर कैसे बिना डर के बैठा हुआ है। ए, सुनो, गाड़ी पंचर हो गई है, बना दे। हाँ ठीक है सर, बनाता हूँ। 10 बजे तक सारी डिटेल देनी है, नहीं तो काशी जी गुस्सा करेंगे, इसलिए किसी ऑटो से चलते हैं सर। अरे चुप करो, वो तो चिल्लाती रहते हैं, हम भी तो इंसान हैं। भैया पीने का पानी है क्या? हाँ है सर। लो भाई। हाँ दीजिए सर, दीजिए। चलो अच्छा, गाड़ी तो एकदम नई लग रही है। एकदम मस्त है। अच्छा सुनो, जब तक पंचर बनाओ मुझे स्टेशन पे काम है, होकर के आता हूँ, गाड़ी ले जा रहा हूँ तुम्हारी। अरे अरे आओ गाड़ी चलाओ भाई, आओ। गाड़ी चलानी नहीं आती, ये बात कितनी खूबसूरती से छिपा रहा है। सर गाड़ी रहने दीजिए सर, इसका मालिक आ जाएगा, हम लोग 5 मिनट में आ जाएंगे। अरे चलो 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 चलो। सर जल्दी आइएगा सर, खाना खाने जाना है मुझे। ये इस समय क्यों फोन कर रहा है? ए कुबेर जल्दी से वहां से निकल जा, पुलिस को सब पता चल गया है, जल्दी भाग वहां से, भाग भाग। बस उस साउंड वाले को मिलने दो, फिर मैं सीधा इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, फिर तुम्हें भी प्रमोशन मिलेगा। मिल गया तो फिर कहना ही क्या है, इस केस का जो मुख्य एविडेंस है वो ये साउंड ही है। कहाँ, जिससे भी पूछो वो कहता है उसे पता ही नहीं है, ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी बहरे से आवाज के बारे में पूछ रहे हैं। क्या हुआ क्या हुआ? अरे अरे संभल कर संभल कर संभल कर। अरे 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 ये तो वही साउंड है। अरे चल 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 जल्दी कर, क्या हुआ क्या हुआ? अरे जल्दी 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 कर। यही था यही था। अरे यही तो था। अरे यही था यही। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया कमीना? अरे कहाँ गया? अरे ढूंढो उसको, उधर देखो, आ जाता हूँ, चलो चलो जल्दी करो, पीछा करो उसका, जल्दी जल्दी। अरे जल्दी करो जल्दी, कहाँ जाएगा हमारे हाथों से बच गया, जल्दी करो जल्दी करो, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। मुझे लगता है यहीं पर कुबेर ने टेम्पररी पंचर की दुकान खोल रखी थी। टेम्पररी पंचर की दुकान है, आसपास किसी को कुछ पता नहीं होगा। जानकारी हो ऐसी उम्मीद नहीं है, काशी हर दिन इसी रास्ते से निकलते हैं, उन पर नजर रखने के लिए प्लान बनाकर ये दुकान लगाई है। ये सब बिल्कुल अलग है सर, डेफिनेटली प्लान बना के कर रहे होंगे। कुबेर के बारे में कोई क्लू नहीं मिल रहा है। यहाँ से सारे एविडेंस कलेक्ट कीजिए, हम से बचकर कहाँ जाएंगे।
ए, उची। क्या हुआ? वहां कुबेर खड़ा है यार। ए, रुक जा बे, ए, ए, रुक जा। भैया को बताना पड़ेगा, गाड़ी रोक कोने में। ओ, अब यहाँ फोन कहाँ से लाएं? सर सर अपना फोन दीजिए ना, एक कॉल कर रही है सर। ये लो। ए, रुक जा बे, ए, ए। कुबेर ने हमें देख लिया है, हमारे पीछे आ रहा है। उसे भी ले आओ। ठीक है भाई, ठीक है। थैंक यू भैया, थैंक यू। ठीक है ठीक। आजा आजा जल्दी जल्दी। अरे अरे आ गया आ गया आ गया। बैठ बैठ बैठ। अरे बैठना। ए पैर पीछे कर। इस तरफ चलो। तुम लोग घर खरीदने की बात कर रहे थे, इतनी जल्दी खरीद लोगे? ये बात नहीं पता थी मुझे। आ रहा हूँ। जल्दी आ जल्दी। अरे चल अंदर। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया इन लोगों ने? कभी नहीं सुधरेंगे ये लोग। ए, शाम को 5 बजे लैंडलाइन पर फोन आएगा, उठाकर बात करना, समझे? एक और बात, हमारे पास बस इतने ही पैसे बचे हैं, रखो इन्हें। ए, बड्डे का ध्यान अच्छी तरह से रखना। हाँ, ठीक है। देख लेना। चले गए क्या? चलिए उठिए, बाथरूम जाना है। ये हाथ क्यों बढ़ा रहा है? मेरी छड़ी लाओ। उन नालायकों ने अंधे को बांध दिया। हा? कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करता हूँ। रुकिए रुकिए। आराम से इस तरफ। हाँ आगे बढ़िए। बाथरूम उसी तरफ है। हाँ हाँ ठीक है, बाथरूम ही ले जा रहा हूँ। आइए आइए, आराम से रखिए पैर आगे। हाँ जाइए जाइए, आराम से बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। उन नालायकों ने एक अंधे को बांध दिया। आराम से बैठिए। बहुत भूख लगी है। उस फ्रिज में बिस्किट का पैकेट है, लेकर आओ। फ्रिज में बिस्किट कोई रखता है क्या? हाँ खाइए आराम से। मैं खोल देता हूँ, खोल देता हूँ, रुकिए। बिस्किट है, खाइए आराम से, खाइए खाइए। आराम से खाइए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। उस बीरो के लॉकर में फोन रखा है, लेकर आओ। क्या कहा, लॉकर में? फोन भी इतना संभाल के रखता है? ये लीजिए फोन, बात करिए बात करिए, कोई बात नहीं बात करिए। फोन को भी कोई लॉकर में रखता है क्या? पैसे से ज्यादा कीमती है इसका फोन लगता है। हेलो दमाल जी, आप कहाँ हैं? यहाँ 4 लोग आए हैं, आप यहाँ जल्दी से आ जाइए दमाल जी। बाबूजी, मैंने क्या किया? चुपचाप, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बोल सर, मार क्यों रहे? बोल सर, पुलिस वाले के घर में डाका डालता है, तेरी इतनी हिम्मत? सर मैंने, बोल बोल ना, मुंह खोल जल्दी, बता क्यों बांधा इनको? मुझे बता रही है सर। तुरे नहीं बांधा, किसने बांधा? बोल 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 जल्दी बोल। रमान जी इसे मत मारिए, ये तो सिर्फ एक प्यादा है, बाकी 4 लोग भाग गए, ये कुछ नहीं जानता है, इसको मारने से कोई फायदा नहीं। हमारी बच्ची कहाँ है वो बता कीजिए। ड्राइवर सर, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ सर, बेबी अभी स्कूल में ही है, स्कूल अभी छूटा नहीं है सर। बच्ची सुरक्षित है, मैं उसे लेने जाता हूँ, तुम दोनों यहीं पर सर। ओके ओके सर। दमाल जी 5 बजे फोन करने की बात कह रहा था, आप तब तक आ जाइए, आप बेफिक्र होकर जाइए, ये कुछ नहीं कर सकता। इसे जाने मत देना, वो इससे मिलने आए तो उसे भी लॉक कर देना। जी सर।
खड़ा हो, खड़ा हो, मैंने कहा खड़ा हो ना। सर फोन ऑन करो, लाउड स्पीकर पे डाल। सर लेकिन सर मैं उन लोगों को नहीं जानता हूँ सर। शांति लॉज रूम नंबर 204 नोट कर ले, कोई भी बात हो तो कांटेक्ट करना समझे। भाई पुलिस, तुम तीन थे ना, एक साथी कहाँ है, बता कहाँ है वो, बताओ। चल आ। इतनी हिम्मत तुम्हारी, ऊपर हाथ डालते हो, हाल खींच लूंगा तुम्हारी, क्या समझा था अपने आपको। ए, अंदर भेजो उसे। क्या रे, बदला लेने आए हैं, इतनी हिम्मत तेरी, क्या रे ले, बदला ले। हे क्या रे, इतनी हिम्मत तेरी, मेरे घर आकर मेरी बच्ची को उठाने का प्लान बनाया, क्या रे तू खुद को समझता क्या है, मेरे सिर का बाल तक नहीं उखाड़ सकता तू। हाँ उखाड़े, उखाड़े 10 मिनट हो गए हैं। देखो देखो मुझसे अच्छा कौन है। ए, आए, बाहर चल के खेलें क्या? आजा 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 बेटा आजा आजा आजा। सर सर, हमको और आपके ड्राइवर को हाईवर्ड करके बच्चों को उठा ले गया सर, सॉरी सर। सोन ये तो ठीक नहीं कर रहा, तू मेरा गुस्सा नहीं जानता, शराफत से बता दे। ए मेरी बच्ची कहाँ है, बताता है या नहीं, बता जल्दी। जान भी चली जाए तो नहीं बताएंगे, मार गोली मार, मुझे गोली मारना और बच्ची को गोली मारना बराबर है, मुझे गोली मारते ही। बच्चों का अपहरण करने वाले गिरोह के बारे में मुझे एक जरूरी एविडेंस मिला है, उसमें से एक गिरोह ने इंस्पेक्टर काशी के रिश्तेदारों के बच्चों को उठाया है, आज काशी की बच्ची को उठाया है। मुझे शक है कि काशी और इस गिरोह की कोई ना कोई बहुत पुरानी दुश्मनी है। मतलब काशी यहाँ से पहले जिस स्टेशन में थे वहाँ पूछताछ करने से मदद मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हमें काशी पर भी नजर रखनी होगी, काशी का उठाया हर कदम उस गिरोह के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।
जो भी एविडेंस मिले हैं उन्हें कमिश्नर को सौंपना होगा। इंतजाम कीजिए। यस सर। कंट्रोल रूम। रिसीविंग सर। मिस्टर काशी, जिस पुलिस स्टेशन में काम करते थे वहां की डिटेल्स मुझे फॉरवर्ड कीजिए प्लीज। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो सर, मैं गुणशेखर बोल रहा हूँ सर। कंट्रोल रूम से कॉल लेती कि मैं आपसे तुरंत बात कर लूँ। कोई जरूरी काम है क्या सर? आप आकर मुझसे मिलिए, एक केस के डिटेल्स के बारे में बात करनी है। ठीक है सर। इसकी खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। लोकेशन भेज रहा हूँ। ओके सर। फौरन आइए। पहुंच जाऊंगा सर। सर। क्यों शेखर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर। प्रोसीड। यस सर। काशी का किसी गिरोह के साथ हाल ही में कोई केस हुआ था क्या? जी मैडम, जब से वो लोग आए हैं तब से कोई ना कोई मुसीबत आ रही है। काशी सर को यहाँ से ट्रांसफर हुए 1 महीना हो गया है सर, अब कहीं जाकर के हमें चैन आया है सर। ठीक है शेखर, मैं यहाँ किडनैपिंग के केस के बारे में पूछताछ करने के लिए आया हूँ। जी पूछिए सर। अब आपके स्टेशन में चाइल्ड किडनैपिंग का कोई केस पेंडिंग है क्या अभी तक? बिल्कुल है सर, कुछ बच्चों की मौत हो गई है और कुछ बच्चों का पता ही नहीं चला है सर। बस एक बच्चे का केस ऐसा है जो अभी तक मिसिंग है सर, कंप्लेन करने वाली फैमिली भी मिसिंग है सर। काशी सर और उस परिवार के बीच में कुछ कहासुनी हो गई थी सर, मैंने आसपास पूछताछ की सर, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला है मैडम। गुड मॉर्निंग सर। व्हाट्स गोइंग ऑन? व्हाट्स हैपनिंग विद द किडनैपिंग केस? सर हम कोशिश कर रहे हैं सर। जल्दी काम पूरा करो। सॉरी स्टेटस क्या है सर? हम काफी नजदीक हैं सर। वी हैव टू प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ आवर डिपार्टमेंट। यस सर, यस सर, यस सर। सर हो जाएगा सर, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ सर, हमने एक अलग टीम का गठन किया है सर, ये केस जल्दी सॉल्व हो जाएगा सर। ओके, जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। सर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर केस सॉल्व कर लेंगे सर। जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करो। हो जाएगा सर, मैं विश्वास दिलाता हूँ। जानकारी देते रहना। ठीक है सर, हो जाएगा। डीजीपी के ऊपर बहुत प्रेशर था, इसलिए वो कमिश्नर से गुस्सा हो रहे थे और कमिश्नर मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे थे। रास्ता तो निकालना ही था। विजय कुमार सर, एक अर्जेंट मीटिंग है, पूरी टीम आ रही है, आप एक फौरन निकलकर ऑफिस पहुंचिए। आई एम ऑन द वे सर। सर क्यों विजय कुमार, केस में कोई इंप्रूवमेंट है? एवरीथिंग गोइंग ऑन नाइस सर। ये आप क्या कह रहे हैं, इतना समय क्यों लग रहा है? ध्यान रखिए, ऊपर से बहुत प्रेशर है। अपहरण के बारे में हमें एक जरूरी एविडेंस मिला है सर। प्रोग्रेस सब ठीक है विजय, लेकिन आखिरी में रिजल्ट क्या है? केस को कब क्लोज करने वाले हो? ऑलमोस्ट मुजरिम के पास हम पहुंच गए हैं सर। मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट्स चाहिए। इस केस की अंतरिम रिपोर्ट मैं आपको कल तक सबमिट करता हूं सर। अब इस केस में एक जरूरी फैसला लेना होगा, इसके लिए मुझे कमिश्नर से मिलना ही होगा। सर मुझे आपसे अर्जेंटली मिलना है। मैं अभी जिम में हूँ, आप सीधे ऑफिस आ जाइए। ओके, मैं तुरंत आ रहा हूँ सर। ओके, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। थैंक यू सर। सर टेक योर सीट। थैंक यू सर। सर वेल डन विजय कुमार। थैंक यू सर। सर
उन बच्चों का अपहरण करने वाला गिरोह कोयम्बतूर से बिलोंग करता है सर। सबकी पहचान कर ली गई है सर। फिर अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं? इस केस में एक अहम बात यह है सर, जिन तीन बच्चों का अपहरण हुआ है उसमें एक बच्चा इंस्पेक्टर काशी की बच्ची है और बाकी जो दो बच्चे हैं वो इंस्पेक्टर काशी के रिश्तेदार हैं। अपहरण करने वाले इस गिरोह से काशी की पहले से ही दुश्मनी थी। इंस्पेक्टर काशी के कारण उनके परिवार को मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, इसलिए उनके कारण काशी की जान को और काशी के कारण उनके रिश्तेदारों को खतरा है। ये बात है, उन्हें फौरन अरेस्ट कीजिए। लेकिन सर, व्हाट स्टॉप्स यू विजय कुमार, व्हाई? काशी ने उन्हें पहले ही अरेस्ट कर लिया है सर। अरेस्ट कर लिया तो फिर चारों कहां है? वो चारों के चारों काशी की पर्सनल कस्टडी में है सर। नहीं 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 नहीं, ये इलीगल कस्टडी है, उन्हें फौरन ऑफिशियल कस्टडी में लीजिए। तो फिर मैं स्पॉट पर पहुंचकर आपको कॉल करता हूं सर। मेरी बच्ची कहां है? सर काशी। यस सर। इंस्पेक्टर विजय कुमार बाहर ही खड़े हैं, तुम्हारी कस्टडी में जो लोग हैं उन्हें विजय को हैंडओवर करो। उन्होंने मेरी बच्ची को किडनैप किया है सर। नहीं 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 नहीं, जैसा कहता हूं वैसा करो। ना बदला लेने के लिए डिपार्टमेंट का इस्तेमाल मत करो। तुम्हारे ऊपर एक्शन हो सकता है काशी, समझ गए? बोलिए सर। सारी बात तो कमिश्नर सर ने बता दी होगी, हैंडओवर कीजिए। आप क्यों दखल दे रहे हैं सर? इस केस का स्पेशल ऑफिसर होने के नाते मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरी बच्ची किडनैप हुई है सर। मैं समझ सकता हूँ, बच्चा मेरा हो या आपका हो कानून सबके लिए एक है। हैंडओवर कीजिए, जाइए लेकर आइए। सबको गाड़ी में बिठाओ। इस केस से संबंधित अंतरिम रिपोर्ट को मैंने डीजीपी को भी सबमिट कर दी। विजय कुमार, मैं तैयार हूँ सर। That's good विजय कुमार, ओके, आप फॉरन ऑफिस आइए। सर 5 मिनट्स। Keep confidential। Definitely सर। सर रियल एक्यूज्ड की पहचान हो गई है सर। वेरी गुड विजय, बस आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहा हूँ सर। ओके प्रोसीड। अरेस्ट के बाद क्या करने वाले हो? हमेशा की तरह कोर्ट के सामने पेश करूंगा सर। नो एनकाउंटर सर। डोंट वरी विजय, कल इंस्पेक्टर शांतनु पांडे आ रहे हैं। देन नो प्रॉब्लम सर। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट शांतनु पांडे कैसे हैं वो तो आप जानते ही हैं। जानता हूं सर। सर हम दोनों ने कई बार ऑपरेशंस में एक साथ काम किया है सर। सर सर प्लीज सर मुझे मत मारिए सर। कहां ना भाग। ओ, 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 ओ,
अब मुझे क्या करना है सर? इस ऑपरेशन का नाम है विजय और आप हैं इसके हेड। थैंक यू सर। वेरी सीक्रेट ऑपरेशन। इस ऑपरेशन विजय के बारे में हम चारों के सिवा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। डेफिनेटली सर। और ये बात शांतनु पांडे की टीम को भी पता नहीं चलनी चाहिए। शांतनु पांडे अपना काम बखूबी पूरा कर लेंगे, बाकी की जिम्मेदारी आपकी। कहां, कब और कैसे ये फैसला आपको करना है विजय? ऑपरेशन विजय को सफल करना अब मेरी जिम्मेदारी बन गई है। ओके विजय कुमार, मुझे भरोसा है कि आप इस काम को अच्छे से करेंगे। गुड लक। थैंक यू सर। विजय कुमार सर, हमारी टीम में सब रेडी है ना? रेडी है सर। हमने जो प्लान बनाया है उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। ठीक सुबह 9 बजे परफेक्टली हो जाना चाहिए। परफेक्टली हो जाएगा सर। इस एनकाउंटर के बाद कोई भी मुजरिम किसी भी बच्चे का अपहरण करने के बारे में सोचने से भी डरेगा। ओके? यस सर। डिस्पर्स्ड। कैसा नाम है रे बोधा? खैर जो भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। अब बस 2 घंटे बचे हैं। तुमसे मैं जितने भी सवाल पूछूंगा सबके जवाब सच सच बताना। सच मतलब सिर्फ सच ही सुनूंगा। हमें भगा के गोली ही तो मारने वाले हैं ना सर। मारिए सर। कांस्टेबल से मारपीट क्यों की? सर मारपीट नहीं की सर, बस ऐसे ही। काशी तो खुद ही गुंडा है, उसने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? मेरे दोस्त ने उसे जवाब ही ऐसा दिया सर। ए ऐसा मत करना, तुम मेरे गुस्से को जानते नहीं हो। शराफत से बता दे, जा जाकर दूसरा पैदा कर ले। ए वो मेरी जान है। तेरी बेटी तो तेरी जान और मेरी बेटी का क्या? हा? मार गोली, जल्दी मार गोली। ए, शराफत से बता दे कि मेरी बेटी कहां है, बता। पहले ये बता मेरी बच्ची कहां है, वो जिंदा भी है या मर गई ये भी पता नहीं। तू नहीं बता सकता लेकिन मैं जानता हूं। हमने पैसों के लिए नहीं उठाया है, पैसों के लिए उठाने वाला मार के डर से बता देगा। हमने अपना लक्ष्य पूरा किया है, जान भी चली गई तो नहीं बताएंगे। मार गोली, गोली मार मुझे। मुझे गोली मारना और अपनी बेटी को गोली मारना बराबर है, क्योंकि मुझे गोली मारते ही जैसे पैसों वालों के लिए कोशिश करते हैं वैसे ही हम जैसे गरीबों के लिए कोशिश करनी चाहिए ना सर। इसमें उस बच्ची की क्या गलती है? बच्ची से अलग होने के बाद पता है मां पे क्या बीती? वो दर्द में अच्छी तरह समझता हूं सर। मेरे जैसा परिवार दुनिया में और किसी का नहीं होगा सर। हमेशा मुस्कुराने वाली मेरी लता, चुलबुली मेरी बेटी मीनू। डैडी, Yeah.
मुझे देर हो रही है, क्या कर रही हो तुम? हो गया बस 5 मिनट। क्यों जी, आज भी आपको काम पर जाना होगा क्या? आज हमारी मीनू का जन्मदिन है, आपको याद नहीं है? वो मैं कैसे भूल सकता हूँ, आज ऑफिस से आते ही केक काट के धूमधाम से मनाएंगे, मजा आएगा। क्यों, ठीक कहा ना बेटी? मेरे डैडी सबसे अच्छे हैं। ये तो आपकी हर बात में हाँ मिलाती है। बाप बेटी मिलकर जो चाहे वो करो। हाय, हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू। क्या दीदी, जीजा जी को खाना नहीं देती हैं क्या आप? आइए। बहुत कमजोर लग रहे हैं। देखते ही पहचान लिया। मुझे लगा था कि आप इनका पेट कम करवा देंगी, लेकिन इतना खाना खिला रही हैं, आपकी दुगनी हो गई है। मेरी बात कब मानते हैं, खाने के बारे में बोलो तो कुछ सुनते ही नहीं। इनकी खूबसूरती के लिए ही मैं खाना बनाती हूँ। तुम दोनों फिर शुरू हो गए? भाई बहन जब तक मेरा मजाक नहीं बना लेते तब तक तुम दोनों को नींद नहीं आती। तुम्हें जो कहना है कह लो, लेकिन मैं खाना बंद करने वाला नहीं हूँ। चलो अब खाना लगाओ। जीजा जी, जीजा जी, माय डियर जीजा जी, शाम को जल्दी आ जाइएगा। शाम की बर्थडे पार्टी का सब कुछ मैं देख लूंगा। और हाँ, मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, मुझे जाते समय पुल पे छोड़ दीजिएगा। हाँ, किससे? उस नलायक से मिलने जा रहे हो? जीजा जी, हेलमेट पहनी है ना? ऑफिस नजदीक है तो हेलमेट किस लिए? इसे पहनकर सर के बाल उड़ गए। उधर देख, दोनों इतने बड़े हो गए हैं, अब तक सड़क पर बैठ के खेल रहे हैं। काम पर जाने का कोई इरादा नहीं है। जीजा जी, भगवान के लिए कोई भी एडवाइस मत दीजिएगा, आपको देर हो रही है, आप जाइए। मुंह बंद करके जाने के लिए कह रहे हो ना? तुम दोनों भी शाम को घर आ जाना, ठीक है? ठीक है जीजा जी। ठीक है जीजा जी। ये लो। बोदा। अच्छा, तुम्हारा ये नाम कैसे पड़ गया? मैं हमेशा नशे में रहता हूँ, मजाक उड़ाने के लिए इसी नाम से बुलाते हैं, अब यही नाम हो गया है, सब लोग इसी नाम से बुलाते हैं। ओ, मैं तो अपना नाम ही भूल गया हूँ। ठीक है, जाने दो, बुलाने के लिए कम से कम नाम तो है। ये लो। अरे मीनू बेटी का केक आ गया। बहुत अच्छी ड्रेस है। अच्छा तो अब डैडी तैयार होने जा रहे हैं। इस तरह क्या देख रही हो, बिल्कुल सही समय पे आया हूँ, ले जाके अंदर रखो। पिछले साल से तो अच्छा इस बार सजाया तुम लोगों ने। जल्दी से तैयार होके आइए जीजा जी, बेचारी बच्ची कब से इंतजार कर रही है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। आप हमेशा ही ऐसे रहिए। कैसे, केक खाते हुए क्या? अच्छा ये बताओ, खाना बना दिया है ना? बना दिया मेरे मोटू। पापा, डैडी। गुड़िया, जाओ जाकर ले लो। देखिए, कोई हमारी बच्ची को उठा कर ले गया। hey! दीदी आप रुकिए, हम लोग देख लेंगे। एक छोटी बच्ची को देखा क्या? जीजा जी, मीनू मिली क्या? नहीं मिली,
चुप हो जाइए, मिल जाएगी, मिल जाएगी। देखिए आप शांत हो जाएंगे, उसे रोइए मत, वो जल्दी ही मिल जाएगी। मीना कहाँ है? नहीं मिली। मीनू, मीनू, रो मत लगा, रो मत, रोइए मत, हम ढूंढ लेंगे उसे, हमारी बच्ची जल्दी मिल जाएगी, रो मत, वो सही सलामत मिल जाएगी, रो मत, रोइए मत दीदी। रो मत। चलो 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 पुलिस स्टेशन चलते हैं। आओ ए चलना, चल पुलिस स्टेशन चलते हैं। चलो चलते हैं, आ जाओ, आओ चलो, चुप हो जाओ, आओ ना, आओ ना भाई। सर मेरी बच्ची को कोई उठा कर ले गया। कब? अभी सर, एक घंटे पहले। सर क्या बात है? सर इसकी बच्ची गायब हो गई है। सर क्या कहा? बच्ची गायब है? अच्छी तरह ढूंढा? आसपास तलाश करके देखा कि नहीं? ऐसी बात नहीं है, दो लोग टेडी लेकर आए थे और उसे उठा कर ले गए। गुड़िया दिखाकर उठा ले गए? हाँ सर, हमने सब जगह ढूंढ लिया लेकिन उसे कोई पता नहीं चला। उसकी फोटो है? हाँ लाया सर। दो। सुनो इनकी कंप्लेंट लिख लो। सर वो पेपर। इनसे कहो लेकर आए। सुनो जाकर पेपर ले आओ। दीदी आप बोलिए मत, मीनू को कुछ नहीं होगा, हम लोग उन्हें कैसे भी ढूंढ लेंगे। ये किस लिए? पूछने के लिए क्या? पूरा बंडल लेकर के आओ, जाओ चले आते हैं। बच्ची गायब हुई थी तो किस रंग के कपड़े पहनी थी? लाल रंग का गाउन पहन रखा था। लाल रंग का? अच्छा हाँ। और कोई निशानी? इतनी ऊंची होगी। कमर पर तिल है। दाया बाएं? दाई तरफ। और कोई निशानी? अच्छा डांस करती है। अच्छा? वो अच्छा गाना गाती है, हंसते समय गालों में गड्ढे पड़ जाते हैं सर। इसके अलावा और कोई निशानी? सबके साथ अच्छी मिलती जुलती है, बहुत अच्छी बातें करती है। और कहीं तिल विल? घुटने के नीचे एक निशान है सर। ओके घुटने के नीचे निशान है। रंग कैसा है? सांवली है सर। आपको किसी पर शक है क्या? अब ऐसा कोई नहीं है सर। नहीं है सर। सर बच्ची के बारे में कुछ पता चला क्या? सर तलाश चल रही है, मिलते इतला कर देंगे। बोलिए सर। सर तुमने फोन नंबर दिया है ना? हाँ सर। तो मैं खुद कॉल करूंगा। मेरी बच्ची मिलेगी या नहीं कम से कम यह तो बता दीजिए। ए कांस्टेबल। सर आ रहा हूं सर। कब से जान खा रहे हैं ये मेरी, ले जाओ इन्हें बाहर। चलो 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 सब लोग बाहर चलो, सर को परेशान करते हो आप लोग, चलो बाहर चलो जल्दी चलो। नहीं, 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 कुछ तो नहीं, चलो बाद में, चलो बाहर बात करते हैं, चलो चलो बाहर चलो। सुनो मैं राउंड पर जा रहा हूँ। जी सर। थोड़ी देर हो सकती है सर। कोई काम हो तो फोन करना। जी सर। जी सर। सर भगवान के लिए बताइए क्या हुआ सर। ए एक बार कहने में समझ में नहीं आता क्या, कहाँ ना ढूंढ रहे हैं? यही बात कितने दिनों से बोल रहे हैं सर। बहुत बोल रहा है तो दो लगा के अंदर कर दूंगा। मारिए सर, हम जैसे गरीबों के साथ आप लोग यही करते हैं। अच्छा अब कानून सिखा रहा है, घूर क्या रहे हैं? पता है दिन में कितने केस आते हैं, फौरन कैसे पता लगा सकते हैं? पैदा करके सड़क पे छोड़ देते हो और उठाकर कोई ले गया तो यहां जाते हो। अच्छा ही तो है, एक और पैदा कर लो। क्या कहा तूने? अरे ए, क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं जीजा जी? छोड़ दीजिए। छोड़िए सर, आप मेरे खाने में जितने भी पेंडिंग केसेस सब तुझ पर लगा कर अंदर कर दूंगा, समझो?
जान से मार दूंगा तुम्हें। लता, लता, चलिए जीजा जी। रुक जाइए, चलिए घर चलिए। कांस्टेबल, सबको बाहर करो, कोई यहाँ दिखना नहीं चाहिए, कान खोल कर सुन लो। ए, बाहर जाओ यहाँ से, चले आते हैं, कैसे बात करनी है ये भी नहीं पता है, जाओ यहाँ से। अस्पताल चलते हैं, मेरी बात मान लो। मैं ठीक हूँ, बस दोपहर में खाना नहीं खाया था इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। खाने के लिए कुछ मंगाऊं क्या? नहीं चाहिए। तुम सब लोग भी घर जाओ, थोड़ी देर अकेला रहना चाहते हैं। आगे क्या करना है इसके बारे में कल सोचेंगे। मैं नहीं, तुम लोग अभी जाओ। सुनिए, खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं, तुम खा लो। आप खाएंगे तो मैं भी खाऊंगी। नहीं, आप खाइए ना। ऐसे क्या देख रही हो? आपको खाता हुआ देख रही हूं ना, इसलिए। लता, जल्दी से तैयार हो जाओ, कलेक्टर के ऑफिस चलना है। लता उठो, मजाक मत करो। लता लता, लता लता, 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 ये क्या हो गया? लता, 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 लता।
मरने वाला हूं जानता था, इसलिए उसे खूब गालियां दी सर। सब लोगों को लगता है वो बहुत ही शरीफ आदमी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है सर। हमें लावारिस की मौत मत मारना सर। बच्चों को उठाने वाले की सजा ऐसे ही होती है सर। यह बात सबको समझ में आए, इस तरह से हमको मार दीजिए सर। हाँ सर, हम जैसा कभी कोई ना करे, हमें पब्लिकली शूट करिए सर। सर, आप सिर्फ एक एनकाउंटर कर देंगे तो काफी होगा सर। यहाँ सुनसान में हमें मारने से कोई फायदा नहीं है सर। मिस्टर शांतनु पांडे, जिन बच्चों का अपहरण हुआ था वो सब सेफली आ गए हैं। अब प्लान की तरह ऑपरेशन विजय को क्लोज कर दीजिए। होप कि सब कुछ कंट्रोल में है। पुलिस वालों के बच्चों का अपहरण करने से हम क्या कर सकते हैं सबको बताना होगा। आज के बाद ऐसी गलती कोई नहीं करेगा। तो जैसा प्लान किया था ठीक वैसे ही। 9 बजे सबको गोली मार दो। ऑपरेशन कंप्लीट करो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। Thank you.
टाइम हो गया। हथकड़ी खोल दो। ओके सर। जान बचाकर भाग जाओ। सर हम आप लोग को कभी नहीं भूलेंगे सर। सर भगाने के बाद पीछे से गोली तो नहीं मारेंगे? मैं पीछे से गोली चलाने वाला नहीं हूं। तुम्हारे साथ एक जो लड़का घूमता है, क्या नाम है उसका? हाँ सर, कुबेर। उसने ही हमें आने का आइडिया दिया था, उसने ही हमारी सारी मदद की थी सर। हमारे बारे में चिंता मत कीजिए, जैसा मैंने कहा वैसा करिए, ठीक है? जाइए। आ रहा हूं। जाके ढूंढो सर। जाओ जाओ। जी सर। तुम उस तरफ जाओ। जिंदा नहीं है सर। ये क्या बोल रहे हैं सर? उसने सिर्फ काशी की बच्ची को नहीं उठाया बल्कि कई बच्चों को किडनैप किया और हमारे हाथ लग गया। ये क्या हो गया सर? तुम लोग मेरे हाथ ना लगो इसलिए उसने अपनी जान दे दी। कम से कम उसके लिए भाग जाओ। जाओ ना, मैंने कहा ना जाओ। जाओ। किडनैपिंग में जो भी लोग शामिल हैं उनका एनकाउंटर कर दो। हमने ऑपरेशन विजय के तहत यही फैसला किया था। तो क्या गुणा गैंग ने पुलिस वालों के बच्चों का किडनैप नहीं किया? आप क्या कह रहे हैं मिस्टर विजय कुमार? सर, गुणा गैंग में कोई भी क्रिमिनल्स नहीं है। गुणा एक साधारण सी जिंदगी बिताने वाला एक आम आदमी है। वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ खुशी से रह रहा था। उसकी बेटी का अपहरण हो गया और इसकी कंप्लेंट देने के लिए जब वो गया तो उसे और उसकी गर्भवती पत्नी के साथ काशी ने मारपीट की ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग। अगर आप किसी पर एक्शन लेना चाहते हैं तो आपको पद के घमंड में चूर काशी पर एक्शन लेना चाहिए। इसका बदला लेने के लिए गुना गैंग ने काशी के घर के बच्चों को किडनैप किया है, वो भी सिर्फ काशी को डराने के लिए। लेकिन जिन बच्चों का अपहरण किया उनके शरीर पर एक खरोज भी आए बिना उन बच्चों को सही सलामत वापस भेज दिया सर। अब तक गुना गैंग पर नो ऑफेंस नो फेयर। कंक्लूजन, उन्हें रिलीज करना ही ठीक होगा। जब मैं गुना की बच्ची का अपहरण करने वालों की तलाश कर रहा था तभी उस गैंग की मदद करने वाले एक लड़के को मैंने पहचाना। बच्चों के खिलौने की दुकान पर उसे लॉक करके मैंने उसे कस्टडी में ले लिया।
और उससे पूछताछ के दौरान कहां गए तू? बोलना कहां गए? पास के गांव का सर। अब ये बता। हाँ सर। खिलौने की दुकान पर क्यों आया था? खिलौना खिलौना खरीदने के लिए। तुझे खिलौने की क्या जरूरत थी? सर घर के लिए सर। फैमिली के लिए है? सच बोल। इतना मारूंगा कि मर जाएगा। बोल खिलौना किस लिए लिया था? बच्चे के लिए सर। सच कह रहा हूँ सर। तू कौन है, किस लिए आया है, ये सब कुछ मैं जानता हूँ। कुछ नहीं सर। अब ये बता, वो अपहरण करने वाले गिरोह से तेरा क्या रिश्ता है? मुझे नहीं पता सर। अब तक कितने बच्चों का अपहरण किया है तूने? सच कह रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता सर। सच नहीं बताएगा तो तू अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाएगा, पूरी जिंदगी जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। मुझे कुछ नहीं पता सर। ए, तू ऐसे नहीं बताएगा। कांस्टेबल जरा वो लाठी देना। मुझे छोड़ दो सर। ए, सच बताता है या मारू तुझे? मेरा उससे कोई संबंध नहीं है सर, मैं उन्हें जानता तक नहीं हूँ सर, मुझे कुछ पता नहीं सर। आगे बोल। मुझे नहीं मालूम साहब। सच नहीं बताएगा तो यही मर जाएगा। मुझे नहीं मालूम साहब। तू अच्छी तरह से जानता है वो कहाँ है, ऐसा मारूंगा अंदरूनी ब्लीडिंग होकर मर जाएगा। अच्छा बताता हूँ साहब, अच्छा बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। साहब वो कहाँ रहते हैं? मैं बस इतना जानता हूँ साहब, वो पास की पहाड़ी के ऊपर एक पुरानी बिल्डिंग में रहते हैं। अगर आप अभी गए तो पकड़ सकते हैं सर। ओके। उसकी दी जानकारी के सहारे मैं और मेरी टीम शांतनु पांडे के साथ उस जगह पर पहुंची। अरे साइड डिश कहाँ है रे? शराब तो ले गया। अचार के साथ शराब पीने का कह रहा है? ये आखिरी शराब की बोतल है, अच्छे से पी ले। ये क्या बोल रहा है भाई? अरे जितने पैसे थे वो सब खत्म हो गए रे, हैं? अब फिर से बच्चा उठाएंगे तो ही पैसे मिलेंगे। लेकिन अब तो बड़ा मुश्किल है। अब एक दूसरा गैंग भी है जो बच्चा उठा रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस वाले के बच्चे तक को उठा लिया है। अरे बावरे, तब तो हमें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो वो आगे निकल जाएंगे। क्या भाई, इधर पुलिस कभी नहीं आ सकती, समझा गया? ऐश करो पियो। और हम एक बीड़ी के लिए भीख मांगेंगे। यार किसी बड़े घर के बच्चे को स्केच बना के उठाना होगा और एक अच्छी मोटी रकम लेकर लाइफ में सेट हो जाएंगे। हमें नहीं पता सर, झूठ मत बोल, बता बच्चा कहाँ है? आखिर में मीना नाम की बच्ची को गुड़िया दिखाकर उठाया था सर। सर सर बच्चे के साथ क्यों ऐसा किया? सर 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 बच्चों की किडनी आग में चलती है, बच्चों के साथ तुम लोग ऐसा करते हो? हम सिर्फ किडनैपिंग करते हैं, बच्चों को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर वेन में डाल देते हैं सर। इसकी सेवा में कुछ नहीं पता। नहीं सर 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 छोड़ दीजिए, हमें कुछ नहीं पता सर। सर मत मारिए सर, सर दर्द हो रहा है सर, प्लीज छोड़ दीजिए हमें सर। ले चलो, ले जाओ।